हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। तो चलिए आज हम बनाते हैं पनीर रोल। उसके लिए सबसे पहले हमने 100 ग्राम करीब पनीर लिया है। इसको अच्छे से हाथों से मसल लेंगे, बिल्कुल आटा की तरह मसल मसल कर। उसके बाद इसमें हम 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। फिर उसके बाद इसमें 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, धनिया पत्ता। अब इसको साइड में रखेंगे। उसके बाद हम एक हरी मिर्च और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा, इसको डालकर अच्छे से दरदरा कूट लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, दरदरा है। और इसको भी इस मिश्रण में हम मिला देंगे, डालकर अब अच्छे से मिला लेंगे इस मिश्रण को। हमें इस मिश्रण को इस तरीके से मिलाना है कि हमारा मिश्रण जो है बॉल या लड्डू की तरह बन जाए। ये देखिए, हमने इसमें पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी। अगर आपको ज़रूरत लगे तो 1 चम्मच के करीब पानी डाल सकते हैं। अब हमारा जो मिश्रण है वो बन रहा है आसानी से। तो मैं एक एक करके इसी तरीके से सारे को बॉल बना लूँगी, सारे मिश्रण को हाथों से इस तरीके से टाइट टाइट, ताकि जब हमारा बॉल तेल में जाए तो खुले नहीं। ये देखिए, हाथों से अच्छे से दबाते हुए इस तरीके से बिल्कुल। और अब हमने सारे मिश्रण को बॉल बना के रख लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में तेल डालकर गर्म कर लेंगे। अच्छे से गर्म होने के बाद एक एक बॉल इसमें हम डाल देंगे, सारे बॉल को एक बार में, जितना आ सके बॉल इस तरीके से। और आँच को मीडियम ही रखें, नहीं तो आपका बॉल जो है ऊपर से पक जाएगा और अंदर कच्चा ही रह जाएगा। और जब एक तरफ से हल्का सा पक जाए तभी हमें बॉल को हिलाना है, नहीं तो आपका बॉल टूट सकता है इस तरीके से। और उलटते पुलटते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सारे बॉल को तल लेना है। और अब हमारा बॉल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरीके से सारे बॉल को अब हमने निकाल लिया है। इसको अब हम सर्व करेंगे। आप कोई भी अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं, टोमेटो केचप के साथ। हमने धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है इसको। ये बॉल बाहर से सख्त और अंदर से मुलायम, बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। और अगर हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।